नमस्कार। 70वीं बीपीएससी की विषय में चर्चा कर दे। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा 30 सितंबर को नहीं होगी। परीक्षा होगी कब? तो ये लोग कह रहा है कि नवंबर दिसंबर, यह बिल्कुल गलत बात है। देखिए, यह मेन बात क्यों इस पे फॉर्म नहीं निकला है, कारण क्या है? आरक्षण का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया SC ST का आरक्षण, और फिर जो अभी मामला अटका हुआ है, यानी जो 65% 55% 50%, तो खैर तो 50% क्लियर हो गया, लेकिन फिर SC ST के लिए आरक्षण की बात आई, कोटा के अंदर कोटा, उस पर भी मामला अटका हुआ है। वो 69 का रिजल्ट के लिए आयोग ने गाइडलाइन मांगा है सरकार से कि 69 का रिजल्ट हम पब्लिश करें कि नहीं करें। सरकार अभी कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। अगर सरकार जब तक गाइडलाइन नहीं देगी तब 69 का रिजल्ट नहीं निकलेगा, और उसी ढंग से जब सरकार गाइडलाइन नहीं देगी तब तक 70वीं बीपीएससी का विज्ञप्ति नहीं निकलेगा। अगर सरकार कल गाइडलाइन दे दे तो 69 का रिजल्ट भी निकल जाएगा और 70वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी का वैकेंसी भी निकल जाएगा। मैक्सिमम जो वैकेंसी है, कुछ ही कम ही बचा है आने का वैकेंसी। खैर, वैकेंसी तो PT प्रिलिमिनरी परीक्षा होगी, उससे पहले तक भी आएगी, वो ऐड हो जाएगी। वैकेंसी आने का मैंने नहीं रखता, मेन मैंने रखता है आरक्षण और सरकार का गाइडलाइन। सरकार स्पष्ट रूप में गाइडलाइन करेगा तो 69 की वैकेंसी आएगी या 70 की वैकेंसी आएगी। लड़के जो फुल्ली रूप से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दाया बाया कुछ नहीं देखते, वैसे लड़के को कहना चाहता हूँ, आप अपनी तैयारी में भी रहिए। दिसंबर मान के कभी नहीं चलिए। जो ही क्लियर होगा फॉर्म भरा लेता है आयोग, हो सके अक्टूबर में ही परीक्षा ले, नवंबर में ही परीक्षा ले रहे। परीक्षा कब लेगी आयोग, इसके विषय में कोई भी ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं। अनुमान से हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यह बात की जानकारी है कि आयोग 30 सितंबर को परीक्षा लेने नहीं आ रही है, यह बात की मुझे जानकारी मिली है। निश्चिंत रहिए, हो सके 15 दिन के अक्टूबर में ले ले परीक्षा, हो सके नवंबर में ले ले परीक्षा। इसलिए लड़के पढ़ाई में तनिक भी ढील न करें, पढ़ाई में कभी भी कोताही न बरते। जिस ढंग से आप पढ़ रहे हैं, जिस ढंग से तैयारी कर रहे हैं, जिस ढंग से करंट अफेयर देख रहे हैं, जो न्यूली लड़के हैं, जो प्रथम बार अपीयर बीपीएससी में होना चाहते हैं, वैसे लड़के को मैं कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर से 1 साल का जरूर देखिएगा। कम से कम 1 साल का बीपीएससी करंट अफेयर लोग तैयारी करके जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट पूछने लगा है, नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ढंग से कितना सही होता है। नेगेटिव मार्किंग इसलिए किया गया था, तुक्का वाले लड़के जो पास कर जाते थे वो नहीं है व्यवस्था, इसलिए अपनी तैयारी में भी रहे। अगर कोई चीज़ की तैयारी किए लगे कि कमी है, साइंस की कमी है या ज्योग्राफी की कमी है, इतिहास की कमी है, करंट अफेयर्स, जो भी लगे कमी है, किसी गाइड की आवश्यकता है तो आप मुझसे गाइड ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9931467817। फ़ोन पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आप लोग से फ़ोन उठाऊँ और बातचीत करो, लेकिन क्लास का जब टाइम रहता है वैसे स्थिति में फ़ोन नहीं उठाता। रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच में मैक्सिमम फ़ोन उठाते हैं, अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो बैक कॉल भी करते हैं। क्या नोटिस आया दिए,
30 सितंबर को बीपीएससी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं होने नहीं होगी, 69 के तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगी जो बीपीएससी गाइडलाइन बना मांगा है किसे आयोग से। जब तक आयोग गाइडलाइन नहीं देगा तब तक 69 की बीपीएससी का रिजल्ट मेंस का नहीं निकलेगा। कारण एससी एसटी के आरक्षण का मामला। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।